भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ चिंता दी, असुरक्षा दी। बीजेपी सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी तीन जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था और प्रीमियम कितना था? 125 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना और 1.5 रुपया महीना वो प्रीमियम वाली चल रही थी, एक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और इनसे पहली बार सामान्य परिवारों को दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली। इन दोनों योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। इन योजनाओं के तहत उन परिवारों में संकट आने के कारण और ये 1 रुपया वाला बीमा होने के कारण, 1.5 रुपये वाला बीमा होने के कारण अब तक मुसीबत में आए हुए इन परिवारों को 15,000 करोड़ रुपये इन गरीब परिवारों को हम दे चुके हैं। भाइयों, 15,000 करोड़ रुपया यानी लाखों परिवारों को बहुत संकट के समय में ये पैसा मिला है। जब सरकार संवेदनशील होती है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कल्याण किसी का करने का तरीका, वो गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, आदिवासियों से, समाज के पीछे हुए जो समाज है उनके हित में काम करने की होती है। और भाइयों बहनों, बीते दशकों में कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी। लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गोर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की भलाई के लिए, समाज के नाम पर जो वोट बैंक बनाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। जिस समाज को ये अपना वोट बैंक बनाते हैं उसको तो और भी नुकसान हो जाता है। एक तो उनको कुछ मिलता नहीं, कोई कुनबाई खा जाता है, लेकिन लोगों को लगता है इन्हीं को मिल रहा है, तो बाकी समाज भी उनके प्रति उनकी सद्भावना कम होने लगती है, तो समाज में भी तनाव पैदा हो जाता है। और भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना उसका विकास रुक गया। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बनें।